देखो भाई, बांद्रा बैंड स्टैंड पे पुलिस वाले कपल्स को पकड़ के उनके माता पिता से फ़ोन पे बात करके तब इन लोगों को छोड़ रहे हैं। यहाँ पर चेकिंग अभियान जो है वो चलाया गया है, और इधर देखो जितने लोग भी अंदर हैं उनको वहाँ से हटाया जा रहा है, लेकिन लोग सुन नहीं रहे हैं, तो वहाँ पे पुलिस वाले अंदर जाके हटा रही है। देखो लाठी पड़ी भाई, ये तो डंडे बजा के उनको भगाया जा रहा है, ये लोग सुन ही नहीं रहे हैं। और इधर भी देखो किस तरह से सभी लोगों को बांद्रा बैंड स्टैंड के बीच के अंदर जितने लोग भी हैं ना उनको वहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि शाम के टाइम में पानी जब बढ़ता है ना तो यहाँ पर किसी को अंदर नहीं रहने दिया जाता है। लेकिन वो पुलिस वाला बेचारा कभी से सीटी मार के लोगों को वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोग सुन ही नहीं रहे हैं। फिर उसको मजबूरन अंदर जाके लोगों को एकाक डंडे जमाना पड़ रहा है और डराना पड़ रहा है। ये देखो वो बेचारा कभी से यहीं से सीटी मार रहे हैं, लेकिन भाई साहब कहाँ लोग सुनने वाले हैं। देखो जितने लोग भी बांद्रा बैंड स्टैंड के किनारे हैं, इधर भी पुलिस वाले खड़े हैं, वो लोग भी उधर से हटा रहे हैं, क्योंकि जब पानी बढ़ने वाला रहता है तो सभी लोगों को वहाँ से निकाला जाता है। शाम के वक्त ना बांद्रा बैंड स्टैंड बीच का ये समुद्र का पानी जो है वो बढ़ता है। इधर देखो जितने लोग भी बैठे हैं सबको कहा जा रहा है भाई यहाँ से हटो, लेकिन लोग कहाँ सुनने वाले। ये देखो बेचारा पास पास में जाकर सभी लोगों को वो हटा रहे हैं। और अभी हम बांद्रा बैंड स्टैंड बीच पर ही मौजूद हैं, जहाँ पे हमारे शाहरुख खान का घर है, रणवीर सिंह का घर है, रेखा मैम का घर है। ये मुंबई का बांद्रा बैंड स्टैंड का फेमस बीच है। इधर भी पुलिस वाले देखो सभी लोगों को हटा रहे हैं कि भाई हट जाओ, अब बीच से किनारे हो जाओ, ऊपर हो जाओ, क्योंकि इन लोगों की ड्यूटी होती है। इधर देखो ये फैमिली वाले कितना अंदर जाके बैठे हैं भाई। और यहाँ पर बांद्रा बैंड स्टैंड अगर आप लोग मुंबई आते हैं तो ये काफ़ी खूबसूरत जगह है, घूमने लायक जगह है। अब देखो पूरा का पूरा नीचे का बीच जो लोग अंदर थे वो अब खाली हो रहा है। इधर भाई लोग सुनने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जब पुलिस वाले एकदम नज़दीक जाके भाई साहब डराते हैं, एकाक डंडा जमाते हैं, तब लोग सुनते हैं। ये देखो बेचारा कभी से सीटी मार रहे हैं वो, लेकिन लोग सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी भी देखो अंदर लोग कितना ज़्यादा बैठे हुए हैं, और अब ये वहाँ जाएंगे तब वो लोग भागेंगे, उसके पहले ये लोग हट ही नहीं रहे हैं। तो मजबूरन पुलिस वाले को कभी कभी लाठी चलानी पड़ रही है। ये देखो ये खड़ी हैं, इनको वो है ही नहीं कि वो बेचारा अपनी ड्यूटी कर रहा है, आके अंदर हटा रहा है, उनको वहीं पर रहना है भाई। ये देख रहे हो सभी लोगों को, एक एक लोगों को जाके होता है ना उंगली पकड़ा के निकालो, वो हाल है इन लोगों का। ये देखो कहाँ पे जाके सब खड़े होकर फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, पुलिस वाले से लोगों को डर ही नहीं है। ये बेचारा यहाँ से दौड़ते हुए पूरा अंदर तक जाके लोगों को निकाल रहा है। ये देख रहे हो भाई पूरा का पूरा बीच खाली हो गया है, पूरा का पूरा बीच। इन लोगों की ड्यूटी होती है कि जब पानी बढ़ने वाला रहता है तो बता दिया जाता है कि हाँ शाम का टाइम है, पानी बढ़ेगा, तब ये पुलिस वाले निकालते हैं। ये देखो बेचारा खड़ा होकर वहाँ से सीटी मार रहा है कि निकल जाए, इन लोगों को अंदर तक ना जाना पड़े, लेकिन वो लोग कहाँ भाई निकलेंगे। पुलिस वाले अंदर जाके पूरा वो वहाँ से एक एक करके लोगों को उंगली पकड़ के निकालेगा बेचारा। ये देखो इधर भी लोग हैं, ये देखो कहाँ तक जाके देख रहे हो भाई, ये लोग खुद अपने जान को जोखिम में डालते हैं। और इधर देखो इधर भी पुलिस वाले पकड़ के कपल्स लोगों के पेरेंट्स से बातचीत कर रहे हैं, फिर इनको छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये लोग ज़बरदस्ती अंदर जाके बैठे हुए थे और पुलिस वाले से भाई साहब ये लोग बहस कर लिए, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए यार। दोनों लोगों के पेरेंट्स से अब वो बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद उन लोगों को छोड़ेंगे। लड़की भी फ़ोन पे बात कर रही है, लड़का अपना फ़ोन लगा के पुलिस को दिया है। ये देखो भाई कमेंट सेक्शन में बताओ ये सही है या गलत है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अभी हम बांद्रा बैंड स्टैंड पर ही मौजूद हैं, जहाँ पर जॉन अब्राहम वगैरह, शाहरुख खान, सलमान खान सबका घर है। देखो पुलिस वाला बात कर रहा है, ये किया लड़के के पेरेंट्स से, अब लड़की के पेरेंट्स से। ये देखो अब लड़की के पेरेंट्स से बात कर रहा है, अब इसके बाद इन लोगों को यहाँ से छोड़ा जाएगा भाई। अभी ये देखो ये डंडा पड़ेगा इनको, क्योंकि आगे मैंने आपको दिखाया है ना। ये देखो भाई ये लोग हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे, ये 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 एक डंडा भाई, डंडा पकड़ लिया पुलिस वाले का। ये भी लड़का ही है जिसका बड़ा बड़ा बाल है, इसको भी पुलिस वाला बुला रहा है, लेकिन ये भाई भाग रहा है। ये देखो जितने लोग भी अंदर हैं वो अभी भी नहीं हट रहा है कि हट जाए वहाँ से, बैग वैग लेकर पूरा अंदर तक। पुलिस वाला बैग पकड़ ले लिया भाई, ये देखो इनको भी एक डंडा पड़ेगा, ये इनको भी एक डंडा पड़ा, दोनों लोगों को एक एक डंडा पड़ा। ये तो आगे वाला भाग चला भाई, वो बुला रहा है लेकिन आया नहीं। ये देखो ये बांद्रा बैंड स्टैंड का हाल,
आज के दिन का। अभी हम लोग यहीं पे मौजूद हैं, घूमने के लिए आए थे, लेकिन हम लोग अंदर नहीं गए थे भाई, हम लोग बाहर ही। इनको एक डंडा और पड़ेगा लग रहा है भाई। ये देखो, ये पीछे घूमने को बोल रहा है वो, पीछे घूमो एक डंडा और पड़ेगा तुम्हें। ज़्यादा बदमाशी तो मार खाना भी पड़ता है। कभी से वो बेचारा सिटी मार के सभी लोगों को बाहर करने के लिए बोल रहा था, लेकिन लोग कहाँ मानने वाले भाई। अब देखो यहाँ से सभी लोगों को निकाल रहा है बाहर, पूरा बैंड स्टैंड को ही खाली किया जा रहा है। इस तरह कभी कभी बैंड स्टैंड पे लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाता है, और लोग ज़बरदस्ती अंदर जाते हैं तो पुलिस वालों को ये कार्रवाई करनी पड़ती ही है। अभी देखिए, हम शाहरुख खान के घर के जस्ट सामने ही खड़े हैं। ये है शाहरुख खान का घर मन्नत, जिसमें शाहरुख खान अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। ये 7 मंजिला आलिशान इमारत, जिसकी प्राइस है 450 करोड़ रुपये, और इसी के बगल में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का ये नया वाला घर बन रहा है, जिसे उन्होंने 119 करोड़ रुपये में ख़रीदा है, 16वीं 17वीं 18वीं और 19वीं मंजिल को। और ये है बांद्रा बैंड स्टैंड का काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा, जहाँ से वर्ली सीलिंग के बीच भी दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए लोग कितना अंदर जा जाके बैठे हैं और घूमते हैं भाई। ये सबसे फेमस बीच है जुहू बीच के बाद, यहाँ पर रोज़ाना लोग इस तरह से घूमने के लिए आते हैं। तो ये है बांद्रा बैंड स्टैंड का शानदार सा नज़ारा, तो मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से दिखा दिया है। उम्मीद करूँगा आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं गाइस नई वीडियो में, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।